हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं गार्लिक चिकन बना रही हूँ। गार्लिक चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है और गार्लिक खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जो लोग लहसुन खाना बहुत पसंद करते हैं उनको ये चिकन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए गार्लिक चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गार्लिक चिकन बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। इसके अलावा मैंने दही लिए है। इसके अलावा हमें नमक, धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, नींबू का रस, कटी हुई हरी मिर्च और चॉप किया हुआ लहसुन चाहिए। अब सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। इस बाउल में हम चिकन को डालेंगे। अब हम इसमें नमक, धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही में हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। अब हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें दही को ऐड कर रही हूँ। हम इसमें दही को ऐड कर देंगे और इसे अपने हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। हमें सारे स्पाइसेस और दही को चिकन में अच्छे से मिला देना है। दही और स्पाइसेस जो है ये चिकन में अच्छे से मिल चुके हैं। अब हमें आधे घंटे तक चिकन को मैरिनेट करना है। फ्रेंड्स, जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम उसका मसाला रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने अदरक लिया है, अदरक को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें बटर चाहिए, टोमेटो केचप चाहिए और इसके अलावा हमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला चाहिए। अब हम कढ़ाई या फ्राई पैन को लेंगे। इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसमें बारीक चॉप किए हुए प्याज को ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन को भी ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम प्याज और लहसुन को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। लहसुन और प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला ऐड करेंगे और इन मसालों को हम अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इन मसालों को अच्छे से भूनना है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये मसाले जो है ये तेल ना छोड़ दें। फ्रेंड्स, हमने जब चिकन को मैरिनेट किया था हमने उसमें उस समय भी नमक और हरी मिर्च को ऐड किया था। तो इसमें इस समय पे जो आप नमक और लाल मिर्ची ऐड करोगे वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ। टोमेटो केचप को भी हम मसाले में अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स और इसे हम 2 मिनट तक पकने देंगे। फ्रेंड्स, अब चिकन को मैरिनेट किए हुए भी आधा घंटा हो चुका है। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन अब हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन को हम मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे हम ढक के 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है ये अच्छे से गल जाए। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम चिकन को चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया लग रहा है चिकन। इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है। गार्लिक चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये चिकन की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और अगर आप गार्लिक खाना पसंद करते हो तो ये तो आपकी फेवरेट रेसिपी बन जाएगी फ्रेंड्स। और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और कुछ भी पूछना चाहते हो इस रेसिपी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम चिकन को सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये गार्लिक चिकन बनके तैयार है।
लेकिन ये गार्लिक चिकन है इसीलिए मैं इसमें गार्लिक का तड़का लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने गार्लिक लिया है। गार्लिक को मैंने छील के इसको इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें हम ज़रा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम इसमें कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स, गार्लिक का तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इस तड़के को चिकन के ऊपर डाल देंगे। फ्रेंड्स, गर्मा गर्म गार्लिक चिकन बनके तैयार है। आप गार्लिक चिकन को तंदूरी नान, रोटी, चपाती के साथ में खा सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा भी गार्लिक का फ्लेवर पसंद नहीं करते हो तो आप तड़के को अवॉइड कर सकते हो, आप तड़का मत लगाइए, इसी तरह से भी चिकन बहुत टेस्टी लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।